फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं, वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र हो, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते, जैसा कि जुडाइज्म में कहा गया है कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज़म को एक सोल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है, पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, जबकि धारणाएं डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथिज्म इसका एक सोल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथियज्म इसका सलूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों, जानवर पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथियज्म इसका सोल्यूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीजों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीजों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहां खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों मैं बोलूंगा? क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो। उसूल है कि नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना? आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं। आप कैसे भाई है? लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहेंगे हर जीवित चीज मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब? क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं? आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत कर रही है। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहां जाते हैं वहां जाते, इसके घर में घुसते उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं।
तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब मुमालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है, जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों की हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, मतलब आग को बुझाओ, क्यों, उधर चींटियां मर रहे हैं, उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है, सिर्फ अनजाने में इजाजत है या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा गया है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है, तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं जो खाने के लिए बनाया गया, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में, सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे, आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पर, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या, अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जान बूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी, क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की जीनत थी, मैं लफ्ज उर्दू जरा मेरी कमजोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत, जरा मैं ऐसे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ किसी को चोट पहुंचे, तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, पर अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आजादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते जानवरों के हुकूक, मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह, चिड़िया स्पैरो, अब पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते, अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं, लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना, महीने 20 घर चलेंगे बंबई में, हाँ के ने, वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे, ये किधर का इस्लाम है। ठीक है जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके आदमी चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ, खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना, तो इतना मत इसराफ करो,
इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथियज्म सबको खुदा मानना इसका जवाब है। उसका जवाब मैं कहा था, हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथियज्म सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है। इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर के नहीं, उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना। तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी को, तो आप चोरी करना शुरू करेंगे। वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल भाई बलात्कार कर, आप करेंगे करेंगे। तो इसी तरह ये इलॉजिकल है। खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे किधर से आई, इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की। और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है। और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं। और कई मजहब इस्लाम के अलावा, कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार। और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है, इंसान को किस चीज का बुरा लगता है, इतना नेक, इतने पाक, इंसान को दर्द कैसा होता है, इंसान को तकलीफ कैसा होती। तो ये खुदा जो नेक और पाक है, जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए, वो इंसान का रूप धारण करते। ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की। ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है, खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है। तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए, क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है। ऊपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जरूरी है नहीं। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ, पानी में मत डालो खराब हो जाएगा, ऊपर से मत फेंको खराब हो जाएगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं। वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता है इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा इबादत करना चाहिए। और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कुरान। इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कुरान। इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथियज्म फिलॉसफी इज टोटली रॉन्ग। और वेद में किधर नहीं लिखा है, आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कम सत्य विप्रा बहुधा वेदांते, खुदा एक है, उसको नाम इरादा दे सकते आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं। और वही खुदा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैचू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।